दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Realme C20 कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग को। क्या दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं Realme C20 में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करें या कॉल रिकॉर्डिंग सेव कैसे करें, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप जानते हैं Realme के C20 यानी कि जितने भी न्यू स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें आपको ये डायलर देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। गूगल का डायलर है, गूगल वाई फोन इसे हम कहते हैं। इसमें आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कैसे होती है, कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होती है, कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करें, सब कुछ बताऊँगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो को भी इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा देना होगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर इस तरह की वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में सबसे पहले चला जाना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप यहां देख सकते हैं मेरे पास है Realme का C20 और इससे हम बताएंगे कॉल रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, पूरा देखने के बाद तभी आप ये कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, बता दें सबसे पहले आपको क्या करना होगा। आपने यहां पे प्ले स्टोर में जाइए और यहां पे सबसे पहले आप यहां पे आपको लिखना है फोन गूगल वाई फोन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसे आप अपडेट कर लीजिए, ठीक है। इसे आप अपडेट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ज्वाइन द बीटा, यहाँ पे लिप लिखा है ज्वाइन होगा, तो इसे आप सबसे पहले ज्वाइन बीटा में ले लीजिए, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट फीचर आएंगे तो आपको सबसे पहले बीटा टेस्टिंग में ही मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ डायलर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ डायलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक फेवरेट्स का ऑप्शन आता है, रिसेंट का, एक कॉन्टैक्ट का, ठीक है। फेवरेट का मतलब ये होता है कोई भी कॉन्टैक्ट आपको अच्छा लगे तो यहाँ पे फेवरेट लिस्ट में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जब यहाँ पे आप फेवरेट लिस्ट में जब आप क्लिक करेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आएगा, तो यहाँ कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एक कॉन्टैक्ट नंबर है जो भी आप फेवरेट लिस्ट में लेके आना चाहते हैं, जैसे कि ये है तो उसमें हमने क्लिक किया, यहाँ पे फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट पे आप क्लिक करेंगे तो रिसेंट का मतलब ये है कि हाल ही में आपने जो भी कॉल की होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद कॉन्टैक्ट यहाँ पे जितने भी आपने सेव कर रखे होंगे वो सेव दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कॉल रिकॉर्डिंग की। तो कॉल रिकॉर्डिंग जैसे कि दोस्तों हम इस नंबर पर जैसे कॉल लगाते हैं, ठीक है, जैसे हमने कॉल लगा दी इस नंबर पे, जैसे कि हमने कॉल लगा दी है, अब यहाँ पे आप कहते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो कॉल रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होती है आप सबसे पहले समझिए, तो कॉल रिकॉर्डिंग होती क्यों नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखो कॉल रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तभी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग होगी यहाँ पे, लेकिन अनाउंसमेंट सुनाई देती है, वो भी मैं बताऊँगा आपको कैसे बंद करनी है। तो अगर यहाँ पे आपका ये बटन शो नहीं हो रहा तो आपको इस तरीके से एक बार इस साइड स्क्रॉल करना है, तो ये पीछे भी होता है कभी कभी, साइड में स्क्रॉल करके आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से मैं कॉल को एंड करूँगा। अब आपने जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग की होगी, जैसे कि वहाँ पे वॉइस का एक लोगो आ जाएगा, उसी नंबर पे जिसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग है उस पर क्लिक करना है। और यहाँ हिस्ट्री का एक ऑप्शन मिलता है, हिस्ट्री पे जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये लिखा है लिसन टू रिकॉर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सीधा आप सुन सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ की। और यहाँ से आप इसे शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ शेयर भी कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, इसे सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, इसे डिलीट भी हो जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग अगर यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट कोई नंबर डिलीट कर दिया है तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आपकी सेव नहीं होगी, ये ध्यान रखना है, गूगल का ये तरीका है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊंगा बिना अनाउंसमेंट की कैसे आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, यानी कि Realme की C20 के अंदर या किसी भी स्मार्टफोन के अंदर कर सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको सिंपल से अपने गूगल के प्ले स्टोर में जाना है। गूगल के प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है ट्रू फोन लिखेंगे इस तरीके से। ये एप्लीकेशन है जो भी काफ़ी अच्छी वर्क कर रही है, जिससे मैं भी कॉल रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और यहाँ ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन के क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरीके से आपको मैनुअल इंटरफेस नजर आएगा। सेट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ट्रू फोन को सिलेक्ट करना है और सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड परमिशन आपको सेट पे क्लिक करना है, अलाउ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से तीसरे नंबर पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस तरीके से ये सीधा ले जाएगा इस तरीके से डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स में। तो यहाँ ट्रू फोन लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसे परमिशन दे देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से सारे नंबर यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे आप थ्री डॉट नजर आ रही होंगी, इन पर आप क्लिक करेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पे इस तरीके से ये देखो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगी, सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, नीचे तरफ स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से आपको स्क्रॉल करते जाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ढूंढना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये देख रहा कॉल हिस्ट्री वगैरह वगैरह, यहाँ पे आउटगोइंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकमिंग और ऑनगोइंग, इन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप आउटगोइंग इनकमिंग यहाँ पे कॉल क्लिक करेंगे फिर आपको नीचे की तरफ चलना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कॉल रिकॉर्डिंग का, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप इसे ऑन कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे इसे आप ऑन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक काम और करना है, ये लिखा है ऑटो रिकॉर्ड्स कॉल, यहाँ पे आप अगर आप सारे तरीके से यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग इनकमिंग होंगी, आउटगोइंग होंगी, कॉन्टैक्ट जो भी है, सभी नंबर रिकॉर्ड हों तो यहाँ पे आप ओके कर देंगे, सभी रिकॉर्ड हो जाएंगे जो भी कॉल आएंगे, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि एक ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑटो इस तरीके से है, इसे आप इसी पे रहने दीजिए, मिस कॉल नोटिफिकेशन है इसे आप ऑन ही रहने दीजिए। उसके बाद जब भी आप कॉल करेंगे, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इस नंबर पर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं अभी इस नंबर पर कॉल करूँगा, इसे यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू फोन मिलेगा, यहाँ से आप इसे ऑन कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से आ गए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लिखा है रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, आपकी भी होगी उधर से भी होगी, देख सकते हैं आप, ठीक है, इसे हम यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है, यहाँ से आप कॉल एंड कर देंगे। कॉल एंड करेंगे तो आप अभी दिखाऊंगा मैं कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ कहाँ सेव हो रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सेटिंग, यहाँ पे फिल्टर वगैरह यहाँ पे लिखा है बहुत सारा। तो अपने ट्रू फोन से आपको बिल्कुल बाहर निकलना है, उसके बाद आपको सिंपल से चलना है अपने फ़ोन के रिकॉर्डर में, फ़ोन के रिकॉर्डर में जाएंगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे आपको टू डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो आपको सिंपल से अपने फाइल मैनेजर में जाना है, फाइल मैनेजर में जाएंगे, ऑडियो पे क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपकी कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, इसे यहाँ से आप सुन लीजिए, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में लेता हूँ विदा, जय हिंद।